तेल की और पेट्रोल की कीमतों में जो हर 15 रोज बाद कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, उसमें 9 रुपये और 7.5 रुपये कीमतों में जो कमी की गई, ये कमी जो की गई वो अल्लाह ताला के फजल करम से इसलिए मुमकिन हुई कि रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में वो बढ़ गई, कि आईएमएफ के प्रोग्राम का एक ये मस्बत पहलू है कि रुपया और डॉलर अब दिन रात वो बिल्कुल कहीं आसमान पे या ज़मीन पे नहीं जा रहे, बल्कि एक उसमें एक इस्तेकामत आ रही है। आईएमएफ प्रोग्राम हमारे लिए हलवा नहीं, चैलेंज है। नवाज शरीफ को इक्तदार का फिर मौका मिला तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे, हम वोट नहीं मांग रहे। नौजवान साबिक 4 साला दौर को देखकर हकायक पर मबनी फैसला करे। अदालतें नवाज शरीफ को दिन रात हाजिरी के लिए बुलाती थी। नवाज शरीफ ने नौजवानों को कलाशन कोफे नहीं लैपटॉप्स दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जादू मंतर नहीं, रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में बढ़ गई, बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफी की मुलाकात। वजारत से मुतालिक अमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर ने वजीर आजम को एयरपोर्ट्स की बेहतर सर्विसेज की फराखी के लिए आउटसोर्सिंग और PIA में असलाहत पर पेशरफ से आगाह किया। ML1 के मनसूबे पर पाक चाइना जारी तआवुन पर भी ब्रीफिंग दी। नौजवान किसी भी मुल्क का सासा और सरमाया होते हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना किया जाए। गुज़िश्ता चंद सालों में नौजवानों में नफरत के बीज बोए गए। मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में नौजवानों की बेहतरी के लिए इकदाम किए। तलबा में लाखों लैपटॉप मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किए। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान का तकरीब से खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरगर्मियों में तेजी, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पार्टी के परचम लहरा दिए गए। केनाल रोड, कैवलरी ब्रिज, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक और मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में पार्टी परचमों की बहार। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करेगी, आम आदमी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से थाई और श्रीलंकन मॉन्क्स के वफ़द की मुलाकात। मजहबी सियाहत और सकाफती सियाहत पर तबादला ख्याल। वलीगुर रहमान का कहना था, इंसानों को एक दूसरे की भलाई और बेहतरी की सोच रखनी चाहिए। पाकिस्तान और थाईलैंड के अवाम के दरमियान कदीमी ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुद के लोगों को आपस में रवाबत बढ़ाने चाहिए। शहर के 5 बड़े अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। जिनाज चिल्ड्रन मेयो सर्विसेज और जनरल हॉस्पिटल में HIMS का नफाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम के जरिए सरकारी अस्पतालों में मरीज का डेटा मैसर होगा। मरहलावार प्रोग्राम के तहत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की HMIS के नफाज के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। प्लानिंग और रेगुलेशन के जोनल अफसरान किसी काम के नहीं, इन अफसरान ने लाहौर का हुलिया सत्यानाश कर दिया। कमिश्नर लाहौर 18 जोनल अफसरान पर बरस पड़े। अफसरान को एक हफ्ते में कबला दुरुस्त करने की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत अहम इजलास। शहर की 24 मॉडल रोड्स पर कायम तजावजात फौरी हटाने का हुक्म। डेंगी मच्छर के बढ़ते वार, लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगी के 2 नए केसेस रिपोर्ट। रमासाल डेंगी केसेस की मजमू तादाद 84 हो गई। 24 घंटों में शहर के 960 मुख्तलिफ मकामात से डेंगी लार्वा तर्क किया गया।
आसमान सुरमई बादलों की लपेट में, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, रेलवे स्टेशन पर हल्की बारिश। अंदरून शहर मिस्री शाह, शादबाग में रिमझिम, सब्जाजार, इकबाल टाउन, समनाबाद में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की 24 घंटे तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिश से लाहौर के नशेबी इलाके जेरे आब आने का खदशा। जिला इंतजामिया, वासा और मुतल्लिका इदारे हमा वक्त तैयार रहे। पीडीएमए का अलर्ट जारी। बिजली के झटके के बाद आवाम को मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 262 रुपये से कम होकर 253 रुपये फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत 260 रुपये से कम होकर 253.50 रुपये फी लीटर हो गई। महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। चिकन, सब्जियां, फल सब आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 5 रुपए सस्ता होकर भी 600 से कम न हुआ। चिकन की कीमत 603 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे। फी दर्जन अंडों की कीमत 253 रुपए मुकर्रर। सब्जियां भी बदस्तूर महंगी। अदरक 1000, लहसुन 400 रुपए फी किलो तक फिरो। टमाटर दर्जा अवल 150, प्याज 60 रुपए किलो तक बिकने लगा। महंगी चीनी मजीद महंगी। ओपन मार्केट में चीनी 140 से 150 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। होलसेल मार्केट में 50 किलो चीनी का थैला 6,750 रुपए तक पहुंच गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी लेने के लिए शहरी ख्वार होने लगे। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी से पंजाब बार कौंसिल की जेल रिफॉर्म्स कमेटी की मुलाकात। जेलों में कैदियों को बुनियादी सहूलतें देने के लिए तजावीज पर गुफ्तगू। वफ़द ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब को जेल असलाहत से मुतल्लिक सिफारिशात पेश की। वफ़द की कैदियों को फौरी लीगल एड मुहैया करने की पेशकश। डीसी लाहौर आफ हैदर की जेर सदारत इजलास। मुहर्रम हराम से मुतालिक तमाम रूट्स पर तैयारियों का जायजा लिया। पांडो स्ट्रीट, अंदरून लाहौर, शादमान, ठोकर न्याज बेग और मोलर टाउन जुलूस के रूट की तैयारियां मुकम्मल। राफ हैदर कहती हैं कि जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए 478 सीसीटीवी कैमरे, 292 सिक्योरिटी गेट लगेंगे, जबकि वासा जुलूस रूट्स पर भी कैंप और डिसल्टिंग मशीनें नस्ब करेगी। एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की डिवीजनल डीएसपी और इंचार्ज के साथ मीटिंग। हफ्तावार कारकर्दगी, जेर तफ्तीश मुकदमात और इश्तहारियों की गिरफ्तारियों का जायजा लिया। एसएसपी लियाकत अली मलिक की जेर तफ्तीश मुकदमात जल्द करने की मुकम्मल करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा साल 34,000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। पकड़ी गई गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा मालिकान को भारी जुर्माने किए गए। कीमती जानों के तहफ्फुज़ के पेश नज़र शहर में 190 मुकामात पर नाकाबंदी की गई है। पंजाब पुलिस के 25 जख्मी और गाजी अहलकारों को इलाज के लिए 52 लाख के फंड्स जारी। डीपीओ मियांवाली मतीउल्लाह खान को इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। जख्मी एएसआई मसर इकबाल को 2.5 लाख के फंड्स मिले। कांस्टेबल ताहिर महमूद और कांस्टेबल साजिद नईम को फीकस 5 लाख जारी किए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फंड्स जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ऐसा इकदाम। 2 शहदा पुलिस के अहले खाना के लिए 2,70,00,000 मालियत के घर खरीद कर दे दिए। शहीद कांस्टेबल शहजाद सलीम और शहीद कांस्टेबल मोहम्मद वकास अजीम की फैमिली को घर खरीद कर दिया गया। शहदा के अहले खाना की वेलफेयर के लिए तरजीही इकदाम जारी रखने का हुक्म।